तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि भाई अपाची R310 का एक वीडियो लेके आइए, जो कि E20 वाली भाई आ चुकी गाड़ी। तो उन्हीं के डिमांड पे मैं आप लिए लेके आ गया हूँ अपाची R310, एक फुल फेयरिंग वाली बाइक और स्पोर्ट टाइप की भाई बाइक है, स्पोर्ट्स वेगन के जो है बिलोंग करती है। रेसिंग के लिए भी जो है बहुत जो है यंग बंदे इस गाड़ी को लेना पसंद कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे इस फुल फेयरिंग वाली अपाची R310 के बारे में और अभी इसका कितना क्या प्राइस है, फीचर्स में आपको क्या क्या ऑफर करती है और E20 वाली साउंड यानी कि इसका जो एग्जॉस्ट का जो साउंड वो भी आपको सुनाऊंगा। तो चलिए भाई फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसको दिखाना। भाई देखिए काफ़ी बड़ी सी यहाँ पे इसका हेडलाइट का प्रोफाइल दी जा रही है और ये आपको मिलेगी भाई देखिए यहाँ पे बाई LED की ट्विन प्रोजेक्टेड की हेडलाइट विथ DRL। ओके भाई देख लो फ्रंट का पूरा जो लुक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है बाई LED करके टेक्नोलॉजी स्टिकर के साथ। विंडशील आपको मिल जाती है ट्रांसपेरेंट एंड इसका जो शेप रखा गया है एरोडायनेमिक, यानी कि रेसिंग से पूरी बिलोंग करती है बाइक और उसी हिसाब से इसका जो है डिज़ाइन आपको मिल जाएगी पूरी एरोडायनेमिक शेप में। इसका फ्रंट का जैसे देखिए पावर पूरी शार्प रखी गई है एंड नीचे आपको मिल जाती है देखिए हल्का सा आपको यहाँ पर ब्लैक कलर की पैटर्न मिल जा रही है इसके ठीक हेडलाइट के नीचे। बाकी ग्राफिक्स आपको मिल जा रही है यहाँ पर बीच में और ये रेड कलर की गाड़ी है तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है नज़र आती है। रेड है, नीचे ब्लैक आपको मिलेगी, ऑल आपको मिलेगी ब्लैक कलर में। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्रंट का प्रोफाइल। अभी आता है इसके टायर के ऊपर, इसको भी बंद कर देते हैं। फिर इसका फ्रंट टायर 110/17-17 इंच की फ्रंट व्हील रखी गई है, डुअल चैनल ABS फ्रंट में डिस्क। ये रही रियर में आपको मिलेगी डिस्क का पार्ट एंड ABS यहाँ पे स्टिकरिंग जैसे कि मेंशन किया गया है देख लो। तो यहाँ पे बाइबर का मिले की कैलिपर यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए बाइबर लिखा। बाकी USD का सस्पेंशन ये रही। ओके तो अभी आते हैं इसके साइड में। तो ये रहा इसका साइड प्रोफाइल अपाचे R310 का, जैसे कि मैं बता दें फुल फेयरिंग वाली बाइक है। तो ये जो पार्ट रखा गया है रेड कलर में देखो, रेड में है और नीचे का जो पार्ट है वो रखा गया ब्लैक में देखो, ठीक है ना, ये ब्लैक है ये रेड है। बाकी अपाची यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है R310 यहाँ पे लिखा गया है स्टिकरिंग के साथ और इसका जो अपर पार्ट रखा गया है ब्लैक में। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो इसको कलर जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है इस बाइक में। तो दोस्तों इस बाइक की एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, भाई फेयरिंग बाइक तो है वो अलग बात है, भाई देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो फेयरिंग को मिलेगी, लेकिन देखिए इसका जो लोअर जो पार्ट है ना वहाँ से लेके भाई यहाँ तक देखिए ये भी आपको मिलेगी पूरी कवर अप, यहाँ पे ख़त्म हो जाती लेकिन और एक पार्ट यहाँ पे देखिए आपको फिक्स मिलेगी। तो फेयरिंग वहाँ से शुरू होती है और जाती है यहाँ तक, पूरी इंजन को जो है कवर कर रखी है, कोई भी धूल मिट्टी वगैरह यहाँ पे ना लग पाए, पूरी जो है प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको मिल जा रही है फुल्ली कवर अप इसका जो काउलिंग का पार्ट जैसे देख पा रहे हो। एंड वेंट्स यहाँ पे देखिए लार्ज वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जा रही है जो कि एयर इनटेक के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। देन इसका फ्यूल टैंक एंड इसका कैपेसिटी आपको मिल जाती है 11 लीटर का एंड देखिए इसका शेप देखिए कट्स वगैरह। ओके हॉर्स का एक सिग्नेचर साइन जैसे कि TVS की होती है वो आपको मिलेगी 3D लोगों के साथ, भाई ये रही E20 मेंशन किया गया है, R310 यहाँ पे लिखा गया एंड ग्राफिक्स इसके बीच में रखा गया है देखिए व्हाइट कलर की ग्राफिक जो कि आपको मिलेगी फ्रंट में भी एंड रियर में एंड इसके टैंक के ऊपर भी देखो यहाँ पे भी। एंड अगर बात करो इसके मिडिल की तो मिडिल में कोई भी काउलिंग आपको नहीं दी जा रही है, यहाँ पे आपको मिलेगी स्ट्रक्चर टाइप की और उसके ऊपर लिखा गया है रेस स्पेसिफिकेशन रेस पैक लिखा है भाई, ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसका रियर कॉल देखेंगे तो देखिए ये भी रखा गया रेड कलर में, यहाँ से लेके यहाँ तक काउलिंग आपको मिलने वाले उसके ऊपर लिखा गया है R310 का स्टिकरिंग। एंड यहाँ पर आपको मिलेगी वेंट्स, भाई ये डिजाइन के लिए दिया गया है, ये वेंट्स नहीं है। ओके और अभी आते हैं इसके टेल लाइट के ऊपर, तो इसको भी एक बार ऑन कर देते हैं। तो भाई देख लो इसका टेल लाइट का प्रोफाइल और ये भी कुछ आपको अलग शेप पे मिलने वाली LED में रखा गया है, तो जैसे देख पा रहे हो काफ़ी मस्त लगती है। इंडिकेटर की बात तो मैं आपको बोलना ही भूल गया भाई, ये इसका इंडिकेटर का प्रोफाइल और ये आपको मिलेगी, आपको दिखा दूँ ये आपको मिलेगी LED के साथ, भाई देख लो रियर में आपको मिल जाएगी एंड फ्रंट का आपको दिखा दूँ, फिर इसका फ्रंट का इंडिकेटर ठीक है, अभी करते हैं इसको बंद।
रिफ्लेक्टर एक साइड में दी जा रही है, एक यहाँ पे आपको मिल जा रही है, टायर हगर आपको दी जा रही है। एंड ये इसका रियर टायर, ये आपको मिलेगी 150, 60 एंड 17 इंच की ब्लैक कलर ऑलॉय के साथ। एंड रियर डिस्क भाई ये रही, कैलिपर लगा हुआ है, डुअल चेन एबीएस। तो सस्पेंशन अगर देखेंगे रियर का, तो यहाँ पे मिल जाती है मोनोशॉक के सस्पेंशन, ये रही। एंड ये इसका एग्जॉस्ट का पार्ट जो कि काफ़ी बड़ी आपको मिलेगी, एंड इसके ऊपर आपको मिलेगी क्रोम का जो है मफलर, ठीक है। पिल एंड फुटरेस्ट आपको मिलेगी अल्यूमिनियम के साथ। राइडर फुटरेस्ट आपको मिल जा रही है, ब्रेक पेडल। तो अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा दूँ, तो देखिए ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा खाली खाली जैसे कि देख पा रहे हो। पिल एंड फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट, 6 ग्रिप मिल जाती है, साइड स्टैंड आपको मिलेगी लेकिन सेंटर स्टैंड आपको नहीं दी जा रही है, ओके। ये इसका लेफ्ट साइड का जो है पूरा प्रोफाइल अपाच आर 310 का। देन अभी आते हैं सीट के ऊपर, ये इसका सीट। स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है तो आपको यहाँ पे मिलेगी स्प्लिट टाइप की सीट, राइडर सीट थोड़ी सी आपको मिलेगी नीचे, पीले सीट आपको मिलेगी थोड़ी सी ऊपर में। एंड देखिए चौड़ाई देखिए, और यहाँ पे आपको मिलेगी थोड़ा सा डिस्टेंस, और की एक्सेस करके इसका रियर सीट को आप उठा सकते हो यहाँ पे। अगर सीट हाइट की बात करें तो 810 mm का इसका सीट हाइट है, राइडर सीट हाइट जो है इस बाइक का। एंड इस बाइक का जो ग्रैब हैंडल है वो कहाँ है भाई, वो रही ये देखो भाई, कुछ अलग शेप में आपको मिलने वाला है ये इसका ग्रैब हैंडल इस बाइक का। सिंगल साइड में मिल जा रही है, वन साइड रखा गया है ओनली राइट हैंड साइड में। तो भाई देख लो बाइक, आर 310 अपाची की गाड़ी है, और न्यू नवेली यानी कि आपको मिलने वाली E20 के साथ। एंड गाड़ी के बारे में आपको पता चल गया होगा, अभी चलते हैं इसके क्लस्टर के ऊपर। एंड पहले इसका की आपको दिखा दूँ, ये इसका की, ठीक है। एंड आपको मिल जाती है 5 इंच की TFT क्लस्टर, वो रही ये भाई देख लो, ये देखने में काफ़ी मस्त लगती है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर सब कुछ आपको मिलेगी भाई डिजिटली। एंड वेयर योर गियर्स, यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया था, अभी लिखा गया था अभी, ठीक है। तो जब इस बाइक को चलाओगे तो भाई गियर वगैरह पहन के चलाना, क्योंकि एक स्पोर्ट्स की बाइक है। तो साइड इंडिकेटर आपको यहाँ पे शो कर रही होगी, देखिए अभी जैसे साइड स्टैंड ऑन है, कूलर टेम्परेचर हो गया, क्योंकि गाड़ी आपको मिल जाती है रेडिएटर का पार्ट यानी कि लिक्विड कूलिंग इंजन। टॉप स्पीड 117 लास्ट टाइम गई थी, और कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो टॉप स्पीड वो है 160 किलोमीटर पर आवर की। ऑडोमीटर यहाँ पे हो गया, फ्यूल रेंज यहाँ पे आपको शो कर रही है। मोड की बात करें भाई, आपको मिलेगी 4 मोड्स यानी कि ट्रैक होगी, अर्बन होगी, रेन होगी एंड स्पोर्ट मोड आपको होगी। तो उसी हिसाब से आपको जो है पावर मिलने वाली है, सबसे ज़्यादा पावर को मिलेगी स्पोर्ट मोड में। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको मिल जा रही है, यानी कि आप अपना मोबाइल को भी इससे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू ऐप। एंड ओके आपको दिखा दूँ और क्या क्या है इसमें, तो इसके थीम को भी आप चेंज कर सकते हो, देखिए अभी ब्लू हो गई, रेन मोड हो गया, ये अर्बन मोड हो गया। तो मोड के हिसाब से इसका थीम चेंज होता है, अर्बन रेन फिलहाल के लिए आ रहा है यहाँ पे। तो राइड मोड से यहाँ पे, ठीक है, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके नीचे आपको मिलेगी ट्रिप डिटेल्स, माई व्हीकल, सर्विस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। प्रेफरेंस में क्या है देखते हैं भाई। कनेक्टिविटी जैसे कि मैंने बता दिया, ब्लूटूथ आपको मिल जा रही है इस बाइक में। तो देखिए पेयर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। देन डिस्प्ले सेटअप, ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, डे नाइट मोड, कस्टम विजेट्स यहाँ पे, ठीक है, स्पीड अलर्ट, कितने में आपको जो अलर्ट डालना है वो भी आपको यहाँ पे मिल जा रही है। तो काफ़ी कुछ जो है आपको कस्टमाइज कर सकते हो इसके क्लस्टर के एरिया में। तो ये होगा इसका क्लस्टर, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है अपाचे आर 310 की। और सबसे अच्छा मुझे लगा इस बाइक में वो है इसका स्विचेस वगैरह, क्योंकि काफ़ी इजी टू फंक्शन है, आप आराम से इसको फंक्शन कर सकते, कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं है। 4 बटन को दी जा रही है यहाँ पे सेट करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए, एंड रिवर्स आई मीन बैक करने के लिए। यहाँ पे हैजर्ड का स्विच आपको यहाँ पर मिलने वाला है, एंड पास लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न नीचे रखा गया रेड में, नियर इसका सेल्फ का स्विच, और सेंटर में आपको मिल जाती है भाई देखिए यहाँ पे सिल्वर कलर का पूरा रखा गया है, तो थोड़ी सी अच्छी लगती है देखने में। तो इसका जो हैंडल का जो पार्ट है वो आपको वाइट थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, लेकिन हाँ भाई थोड़ी सी शॉर्ट आपको मिलेगी जब आप बैठोगे, तो भाई उसी हिसाब को पोस्चर मिलने वाला है। जैसे कि इसको एरोडायनामिक शेप में बनाया गया है, तो आप जब बैठ के चलाओगे तो आपको भी पूरा लीन होकर चलाना पड़ेगा, तो आपको एक स्पोर्ट्स टाइप की जो है पोस्चर मिल जाएगी इस आर 310 में। देन एबीएस का लाइट यहाँ पे शो करें, देखिए करते हैं इसको बंद। तो बंद क्यों किए, अभी सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट का साउंड, उसके बाद बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। तो सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट का साउंड भाई आर 310 का, एंड E20 वाली फीचर।
तो भाई कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका एग्जॉस्ट का साउंड। तो अभी बात आती है इंजन की, तो मैं बता दूँ इसमें आपको मिल जाती है 312 सीसी की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जो कि पावर निकालेगी सबसे मैक्सिमम जो पावर वो आपको मिलेगी स्पोर्ट मोड में, तो वो है भाई 34 PS की एंड 27.3 NM का इसमें आपको टॉर्क मिलने वाला है। बाकी मोड में आपको कितना क्या पावर डिलीवर करते हैं वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। माइलेज की बात करें भाई 310 cc की बाइक है, तो मान के चलो 30 तक आपको देने वाली, 25-30 तक आपको देने वाली, उससे ज़्यादा तो नहीं देगी ये बाइक जो है एवरेज। एंड अभी बात आती है भाई प्राइसिंग में, आपको बता दूँ कितना क्या प्राइस है इस बाइक का राउरकेला ओडिशा में। तो जो एक्सट्रीम जो प्राइस इस बाइक का वो आपको आ जाएगी 272,000 की, यानी कि 2.72 लाख। अगर ऑनरोड की बात करूँ आप ओडिशा में, तो इस बाइक का जो ऑनरोड जो प्राइसिंग वो आपको आ जाएगी 3,06,000 की। भाई 3,06,000 में आपको मिलेगी ये RR 310 स्पोर्ट्स की बाइक एंड E20 के साथ अभी आपको मिलने वाली है, जिसका साउंड एंड जिसका फीचर्स मैंने आपको बता दिया एंड सुना दिया। तो कैसी लगी आपको ये बाइक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलता है ग्रुप में, धन्यवाद।